हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैं जिस ड्रामा का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर। यह काफ़ी पॉपुलर चाइनीज ड्रामा है और रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। इस ड्रामा में जो मेल लीड है वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है और स्कूल में काफ़ी पॉपुलर है, और हमारा जो फीमेल लीड है वो एक ऑर्डिनरी गर्ल है और वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करना चाहती है। दोनों के ड्रीम्स डिफरेंट है, सो इन दोनों के बीच में प्यार कैसे होता है वो देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो फीमेल लीड है वह सो रही थी, तभी उसके फोन में एक फोन आता है। लेकिन जब वो फोन उठाने जाती है तो फोन हाथ से नीचे गिर जाते हैं। फिर फोन जब बाहर निकलती है तब उसे पैसे भी मिलते हैं जो कि पहले कभी नीचे गिर गया था, और पैसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन फोन को देखने के बाद थोड़ा सा अपसेट हो जाती है क्योंकि फोन का स्क्रीन टूट चुका था। फिर फोन उठाने के बाद फूफा कहता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर मोमो रेडी होकर दौड़ के नीचे जाने लगती है और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देती है, मेरा नाम सीडोमो है, लेकिन सब मुझे प्यार से मोमो कह के बुलाते हैं, और मैं अकाउंट्स के सीनियर स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करना चाहती हूँ, इसलिए नौकरी की तलाश में हूँ। और फिर फूफेई की तरफ देखकर कहती है, ये है फूफेई, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। और फिर मोमो अपने मन में कहती है, मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि एक दिन हमारा रिश्ता करीबी हो जाएगा और उसी दिन के लिए मैं वेट कर रही हूँ। और ये कहते कहते इधर से मेल लीड गुए की एंट्री होता है और एक दूसरे के साइकिल के साथ टक्कर लगने से सब लोग नीचे गिर जाते हैं। फिर गुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और फूफे कहता है, मैंने बचाने की पूरी कोशिश की। ये सुनकर गुए कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। और फिर गुए मोमो के पास जाकर कहता है, बहुत जल्दी में हो? और मोमो कहती है, हाँ। फिर गुए मोमो की ड्रेस फाड़ देता है जो कि साइकिल में अटक गया था, और फिर कहता है, ये लो, निकल गया। और ये देखकर मोमो बहुत चौंक जाती है और फिर गुए अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है और मोमो बस गुए की तरफ देखने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों इंटरव्यू देने के लिए पहुंच चुका था, और वो दोनों जब बैठे हुए थे तब फूफे बस फोन में गेम खेल रहा था। फिर फूफे के फ्रेंड्स फूफे को फोन करके गेम खेलने के लिए बुलाते हैं, और फिर फूफे बहाना बनाकर मोमो से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीद के आता हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं गुए एग्जाम देने के लिए गया था। फिर एक स्टूडेंट जब गुए से पेन मांगता है तो गुए बैग से पैड निकालकर बेंच के ऊपर रख देता है, और ये देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स बहुत चौंक जाते हैं। और फिर गुए एम्बैरेस्ड होकर पैड को नीचे रख देता है। फिर क्लास में टीचर आने के बाद सबको एडमिट बाहर निकालने के लिए कहता है, और फिर गुए को पता चलता है कि ये उसका बैग नहीं है, उसका बैग मोमो के साथ एक्सचेंज हो गया है। वो जल्दबाजी में मोमो का बैग लेकर आया है, इसलिए गुए को एग्जाम नहीं देने दिया गया। और इधर मोमो का भी एक ही हाल है, वो भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाई, इसलिए इंटरव्यू से बाहर निकल दिया। फिर मोमो के फोन में फूफे फोन करता है, और क्योंकि मोमो का बैग गुए के पास था इसलिए गुए फोन उठाता है। फिर फूफे मोमो से पूछता है, मोमो तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? फिर गुए कहता है, मैं मोमो के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एग्जाम नहीं देने दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं मोमो गुए और फूफे एक साथ बैठे हुए थे, और फिर फूफे गुए की बहुत तारीफ करने लगता है, और फिर गुए कहता है, चलो पॉइंट पे आते हैं। फिर फूफे कहता है, हाँ तुम दोनों एक दूसरे से अपना बैग एक्सचेंज कर लो। और बैग लेने के बाद गुए अपना बैग चेक करने लगता है, और ये देख कर फूफे कहता है, गुए तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मोमो तुम्हारा सामान चुरा लेगी? फिर गुए मोमो से कहता है, अच्छा होगा कि तुम भी चेक कर लो। और मोमो कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। और फिर जब मोमो बैग चेक कर रही थी तब मोमो को पेन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कहती है, मैंने हाल ही में तो खरीदा था और बैग में ही रखा था। फिर मोमो मुस्कुराकर गुए से कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये सुनकर फूफे कहता है, क्यों, इसने क्या किया, क्या कुछ गायब हो गया है? फिर मोमो कहती है, लड़कियों का सामान है। और ये सुनकर फूफे चौंक जाता है। फिर गुए मोमो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है।
फिर मोमो कहती है रहने दो, गिफ्ट की तरह रख लो। और ये सुनकर गुएई कहता है मैं उसका क्या करूँगा। फिर मोमो गुए की मजाक उड़ाते हुए कहती है तो चलो फिर वापस करो, और गुए बहुत एम्बेरस्ड फील करता है। फिर मोमो बाय का करवा से चली जाती है। इसके बाद मोमो हॉस्टल वापस आती है, और क्योंकि मोमो गाना गा रही थी इसलिए मोमो के रूममेट्स पूछती है इंटरव्यू कैसा गया, और मोमो कहती है नहीं अच्छा नहीं गया। और फिर मैंगलो कहती है तो फिर तुम इतने खुश क्यों हो। फिर मोमो गुए के बारे में सोचकर कहती है वो मैं इंटरव्यू देकर आ रही थी तो एक बहुत अच्छा लड़का मिला। फिर वंगसन कहती है तुम्हारे पास प्लानिंग होना चाहिए, और मोमो अपना प्लानिंग चार्ट दिखाकर कहती है ये देखो मेरे पास प्लानिंग है। और ये देखकर वंगसन कहती है ये भी मैंने ही तुमसे बनवाया था जब हम पहले पहले मिले थे। फिर मोमो कहती है हाँ मैं ग्रेजुएशन से पहले पूरा कर लूंगी। अगले दिन मोमो जब क्लास में थी तब कंप्यूटर खराब हो जाता है, और ठीक करने के लिए टेक्नीशियन को लाने भेजता है। तभी वहाँ पर गुए आता है, और गुए को देखकर क्लास के सारे लड़कियाँ बस गुए की तरफ देखने लगती है और कहती है ये लड़का कितना हॉट और हैंडसम है। गुए को देखकर सबको लगता है कि गुए कंप्यूटर ठीक करने के लिए आया है, इसलिए गुए की हाथ पकड़ कर ले जाता है। और फिर वहाँ पे टेक्नीशियन भी आते हैं, और फिर सब कहते हैं तुम तो टेक्नीशियन नहीं हो तो तुम कंप्यूटर खराब कर दोगे, लेकिन गुए कंप्यूटर ठीक कर देता है। तब क्लास के सारे लड़कियाँ और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर गुए धीरे से मोमो के पास आकर कहता है तुम्हारे ड्रॉयर में मेरी चाबी है प्लीज दो। और बाद में हमें पता चलते है गुए की फ्रेंड्स ने चाबी मंगवाया था। इसके बाद गुए लैब में जाता है और जाकर देखता है वहाँ पर टीचर बैठे हुए थे। फिर टीचर गुए से कहता है तुम एग्जाम में क्यों नहीं बैठे, तुम्हें पता है ना ये कितनी बड़ी एग्जाम है, प्रोफेसर जियांग का क्लास करने के लिए दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स सपने देखते हैं, प्रोफेसर जियांग तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम फिर से जाओगे। ये सुनकर गुए कहता है नहीं मैं सिफारिश करके नहीं जा सकता, इससे स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं क्लास खत्म होने के बाद फूफे मोमो को लंच के लिए पूछती है, और फिर वो दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। कुछ देर बाद मोमो के फोन में एक मैसेज आता है दूसरी ऑफिस से इंटरव्यू के लिए। फिर फूफे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, और ये सुनकर मोमो कहती है रहने दो मैं अब और घटिया एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती। फिर फूफे कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। और फिर मोमो कहती है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गुए फोन की स्क्रीन बदलने के लिए एक स्टोर में जाता है, और तभी वहाँ पर मोमो भी आती है फोन की स्क्रीन बदलने के लिए। फिर गुए कहता है मुझे स्क्रीन बदलवानी है, और फिर शॉपकीपर कहती है बदलने पर उतना ही खर्चा आएगा जितना नया खरीदने में होता है। फिर गुए कहता है कोई बात नहीं तो मुझे टूल्स दो मैं खुद ही बदल लूंगा। इसके बाद गुए फोन की स्क्रीन बदल रहा था, और मोमो बस गुए को देखते ही जा रही थी। फिर गुए अपना फोन ठीक करने के बाद मोमो से कहता है मुझे अपना फोन दो, और मोमो कहती है मैं क्यों दूं। फिर कुछ देर मोमो और गुए के बीच में बहस होता है। फिर गुए कहता है मुझे नया कुछ सीखना बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे अपना फोन दो, और ये सुनकर मोमो मान जाती है और फोन गुए को दे देती है। फोन ठीक होने के बाद मोमो बहुत खुश हो जाती है और गुए को थैंक यू कहती है। फिर गुए जब जाने लगता है तब उस शॉपकीपर वाली लड़की गुए से कहती है क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हो। फिर गुए कहता है नहीं मैं नहीं दे सकता, और फिर वह से चला जाता है। अगले दिन मोमो इंटरव्यू देने जा रही थी इसलिए बस स्टॉप पर फूफे के लिए वेट कर रही थी। मोमो फूफे को बहुत बार फोन करती है बट फूफे फोन नहीं उठाता है क्योंकि वो बास्केटबॉल मैच खेल रहा था। फिर मोमो बहुत देर तक वेट करने के बाद फूफे को मैसेज करती है कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अगर अभी बस छोड़ दी तो मुझे वहाँ पर जाने में देर हो जाएगी तो मैं जा रही हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम आओगे। फिर मोमो अकेली बस पकड़ के वहाँ से चली जाती है। बस से उतरने के बाद जब मोमो अकेली रास्ते से जा रही थी तब एक आदमी मोमो का बैग लेकर भाग जाता है और मोमो नीचे गिर जाती है। मोमो नीचे गिर जाने से मोमो के हाथ में काफी चोट लगता है। फिर मोमो ऑफिस में फोन करके दूसरे दिन अपॉइंटमेंट ले लेती है। इसके बाद मोमो फूफे को फोन करती है लेकिन फोन हॉस्टल के रूम में था इसलिए गुए फोन उठाता है। फिर मोमो गुए से कहती है मेरा बैग चोरी हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है तो क्या तुम फूफे को भेज सकते हो मेरी मदद के लिए।
प्लीज उसे बोलना जल्दी से आ जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेज देना। फिर गुए फूफे का पता लगाता है, लेकिन फूफे का कोई पता नहीं मिलता है। इसलिए गुए खुद चला जाता है मोमो के पास, और मोमो गुए को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फूफे कहाँ है? फिर गुए कहता है, क्यों, नहीं आना चाहिए था, और फूफे कहाँ है मुझे नहीं पता। फिर गुए देखता है मोमो के हाथ पे बहुत चोट लगा था और उसके हाथ से खून भी निकल रहा था। और फिर वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और गुए ड्राइवर को कहता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और फिर मोमो को एक टिश्यू पेपर देता है साफ करने के लिए, लेकिन मोमो को बहुत दर्द हो रहा था इसलिए गुए साफ कर देता है। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल में आने के बाद गुए मोमो को बेंच पर बिठाकर कहता है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। और फिर कुछ देर बाद मोमो देखती है गुए व्हीलचेयर लेकर आ रहा है, और मोमो ये देखकर वह से भागने लगती है। फिर गुए मोमो के पास आकर कहता है, क्या कर रही हो तुम? और फिर मोमो कहती है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। और फिर क्या, मोमो को ना चाहते हुए भी व्हीलचेयर पर बैठना पड़ता है, और व्हीलचेयर पर बैठने के बाद मोमो बहुत एम्बेरस फील कर रही थी इसलिए अपना मुँह छुपा लिया था। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर को लगता है हड्डी टूट गया है। फिर मोमो कहती है, हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा छिल गया है। और ये सुनकर डॉक्टर कहता है, तो तुम इसे यहाँ पर व्हीलचेयर के बगैर भी ला सकते थे। और ये सुनकर मोमो फिर से एम्बेरस्ड फील करती है। फिर डॉक्टर दिखाने के बाद गुए फिर से मोमो को व्हीलचेयर पर बैठने के लिए कहता है, और मोमो कहती है, इसे जल्दी हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। फिर डॉक्टर कहता है, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, तो कभी कभी इस्तेमाल कर सकती हो। फिर मोमो व्हीलचेयर पर बैठती है, और वो दोनों बाहर आने के बाद मोमो अपना मुंह छुपा कर कहती है, अरे यार मुझे कोई देख ना ले, बस प्लीज कोई देख ना ले प्लीज। तभी वहाँ पर फूफे आता है और आकर कहता है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? फिर मोमो कहती है, ठीक हूँ, बस थोड़ा सा छिल गया है। यह सुनकर फूफे कहता है, इतनी सी छोटी सी बात है तो तुम इस व्हीलचेयर पर क्या कर रही हो? और ये सुनकर गुए कहता है, क्योंकि ये चल नहीं पा रही थी। फिर फूफे गुए को थैंक्स कहकर मोमो को लेकर जाने लगता है, और फिर फूफे मोमो से कहता है, अब हमें कहाँ जाना है? और मोमो कहती है, मेडिसिन लाने, प्रेस्क्रिप्शन गुए के पास है। फिर फूफे मेडिसिन लाने जाता है। इसके बाद मोमो अकेली व्हीलचेयर को चलाने की कोशिश कर रही थी बट चला नहीं पा रही थी, और ये देखकर गुए मोमो के पास आकर कहता है, मैं हेल्प करूं। और फिर गुए मोमो को लेकर जाने लगता है, और तब गुए देखता है मोमो रो रही थी। फिर गुए मोमो को टिश्यू पेपर देता है आंसू पोंछने के लिए, और ये देखकर मोमो कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ। और ये सुनकर गुए कहता है, तो फिर पसीना पोंछ लो। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।